नमस्कार दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर करना। दोस्तों यूँ तो पूरे राजस्थान में बहुत सारी शौर्य गाथाएं हैं, बहुत सारे इतिहास हैं राजाओं महाराजाओं के, लेकिन एक ऐसा इतिहास भी है जो शायद आप लोगों से छुपा हुआ हो। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कभी भी अगर बीकानेर के संग्रहालय में जाओगे तो वहाँ पर एक तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, एक जो तस्वीर आपको देखने को मिलेगी वो तस्वीर है यहाँ पे एक वीरांगना की। वो वीरांगना का नाम है जो बहुत ही वीर थी, उसका नाम है किरण देवी। किरण देवी के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो बहुत ही एक अच्छी कहानी है जो आपको अच्छी लगेगी तो आप इसको शेयर जरूर करेंगे, और जो भाई इसको समझने की कोशिश करेगा वो तो इसको जरूर शेयर करेगा और एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि राजस्थान वीरों की धरती है, योद्धाओं की धरती है। यहाँ के रेतीली दौरों का वीरता और शौर्य से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। इतिहास आज भी ऐसे वीरों और वीरांगनाओं की कहानी कहता है जिनके बलिदान और त्याग से इस धरा की शान बढ़ाई है। ऐसे ही कहानियों में से एक कहानी है वीरांगना किरण देवी का, जो कहते हैं कि उन्होंने शहंशाह अकबर को झुकाने के लिए मजबूर कर दिया था। अकबर ने किरण देवी से प्राणों की भीख मांगी थी। आइए डालते हैं एक नजर इस घटना के ऊपर। इस घटना का संबंध नॉरेज मेले से है। यह मेला अकबर आयोजित करवाता था। ऐसी मान्यता है कि अकबर इस मेले में वेश बदलकर अक्सर आया करता था और यहाँ सुंदर महिलाओं की तलाश किया करता था। एक दिन उसकी नजर मेले में घूम रही किरण देवी पर पड़ी। वह किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। उसने अपने गुप्तचरों को उसका पता मालूम करने के लिए बोला और कहा कि इसका पता क्या है और इसको हमारे पास पहुँचाया जाए। गुप्तचरों ने बताया कि वह मेवाड़ के महाराणा प्रताप के छोटे भाई जो उसका महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह है, उसकी बेटी है। उसका विवाह बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ से हुआ है। अकबर ने पृथ्वीराज को किसी युद्ध के बहाने बाहर भेज दिया और किरण देवी को एक सेविका के जरिए संदेश भेजा कि बादशाह ने आपको बुलाया है। किरण देवी ने बादशाह के हुक्म का पालन किया और वह महल में गई। बादशाह ने उससे कहा किरण देवी से कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, आप बताइए। वहां जाकर उसने देखा कि अकबर के इरादे कुछ अलग ही हैं, कुछ इसकी नजर गलत है। यह देखकर किरण देवी क्रोध में आ गई। जिसे कालीन पर वह खड़ा हुआ था उसने उसको खींच करके बादशाह को नीचे गिरा दिया और उसको धराशायी कर दिया। किरण देवी हथियार चलाने और आत्मरक्षा में पारंगत थी। वह अकबर की छाती पर बैठ गई और कटारी निकालकर उसकी गर्दन पर रखते हुए बोली, बादशाह अब बोलो कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बाजी इतनी जल्दी पलट जाएगी इसका अंदाजा अकबर को भी शायद नहीं था। वह किरण से माफी मांगने लगा और बोला, तुम यकीनन दुर्गा हो, तुम एक महान हो, मुझे माफ करो। अगर मैं मर गया तो देश की कई समस्या हो जाएंगी। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अब मैं कभी भी नॉरेज मेला नहीं लगाऊंगा और न कभी किसी महिला के बारे में ऐसी सोच रखूंगा। अकबर को काफी खरी खोटी सुनाने के बाद किरण ने उसे माफ कर दिया और चेतावनी दे करके अपने महल में आ गई। और कहा जाता है कि अकबर ने फिर कभी नॉरेज मेला नहीं लगाया। इस घटना का चित्रण राजस्थान के कई कवियों ने भी किया है। ये एक बहुत ही अहम बात है दोस्तों। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप इसको शेयर जरूर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।